हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने सेल बायोलॉजी फर्स्ट जो यूनिट अपन ने स्टार्ट की थी उसमें सेल का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, कोशिका सिद्धांत ये अपन ने कवर किए थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने एनसीईआरटी से उसको रिवाइज भी कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे मेन जो है आज अपनी कहानी स्टार्ट होती है बेटा, जो इस यूनिट का जो मेन कोर पार्ट है कि कोशिका की जो स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अपन चलो बात करते हैं बेटा कोशिका संगठन, ठीक है। टॉपिक अपना क्या रहेगा, कोशिका संगठन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, समझना बेटा बहुत ध्यान से, इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करूंगा बेटा। सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका संगठन। तो कोशिका का संगठन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। कोशिका संगठन के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनकी अपन बात करेंगे। तो कोशिका संगठन के आधार पर इनको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं बेटा सेल्स को, ठीक है। पहला है आपका प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, समझे बेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन और यूकैरियोटिक कोशिका संगठन, ठीक है। तो इनमें क्या विशेष अंतर है, पहले अपन उनकी बात करते हैं बेटा। देखो टर्म जो है प्रोकैरियोटिक, तो इसमें देखो दो टर्म आ गए बेटा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आद्य। प्रिमिटिव का मतलब क्या है बेटा, आद्य। और कैरियन का मतलब होता है, यहाँ कैरियन का मीनिंग होता है बेटा केंद्रक, न्यूक्लियस। बिल्कुल जीरो से कहानी स्टार्ट करेंगे बेटा, जीरो से अपन बात करेंगे, बिल्कुल सुपरफिशियल बेसिक और थोड़ा डीप में जाएंगे, तब जाके टॉपिक पे आपकी कमांड होगी बेटा। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या हो गया बेटा, प्रो मतलब प्रिमिटिव, तो जिसमें प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, आद्य प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, जो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो केंद्रक है वो सुविकसित केंद्रक नहीं होता, आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं केंद्रक कैसा होता है बेटा, आद्य प्रकार का केंद्रक, या अपन बोल सकते हैं इसमें सुस्पष्ट या सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। अब यहां आते हैं बेटा, यहां देखो यू, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, सुविकसित, और वही बेटा कैरियन का मतलब क्या बताया आपको, कैरियन का मतलब क्या है केंद्रक, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, सुविकसित प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है, सुविकसित केंद्रक उपस्थित, ये इसमें मेन जो है टर्म के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, यह इसका अंतर आ गया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन कौन सी कोशिकाएं होंगी जिनमें केंद्रक जो है वो सुविकसित प्रकार का नहीं होता, आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक सुविकसित प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखो अभी डिटेल में नहीं लेंगे, अब ये दो वैसे अपने टर्म यूज कर ली, जो ये दोनों टर्म है उनको अलग अलग करके स्टडी करेंगे। तो अपन इस चैप्टर में पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को डिटेल में लेंगे, उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका संगठन को डिटेल में लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन की, यूकैरियोटिक कोशिका संगठन इसके बाद में कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको अपन एक बार हटा देते हैं, तो यहां आपका टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को स्टार्ट करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को अपन पहले स्टार्ट करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे उसके एग्जांपल के। तो सबसे पहले बेटा पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे, जो आपका किंगडम मोनेरा है,
आपको पता है बेटा पांच किंगडम है, सभी जीवों को पांच जो किंगडम है उनमें शामिल किया गया है, पता है ना किंगडम बेटा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। तो जो किंगडम मोनेरा है उसमें सभी सदस्य कौन सा कोशिका संगठन प्रदर्शित करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन। ठीक है, तो अपन मेंशन कर सकते हैं किंगडम मोनेरा के सभी सदस्य प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन दर्शाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोनेरा किंगडम के सभी सदस्य कौन सा कोशिका संगठन प्रदर्शित करेंगे बेटा, प्रोकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा में एग्जांपल कौन कौन से हैं बेटा, मोनेरा किंगडम में कौन कौन आते हैं, जो मेन है उनकी बात कर रहा हूँ। किंगडम मोनेरा में अपन बात करेंगे किसकी, साइनोबैक्टीरिया, या बोल दो बेटा, चलो पहले आर्किबैक्टीरिया से कहानी स्टार्ट करते हैं, आधे जीवाणु, फिर आ गया आपका यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोल दो इसको। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, बीजीए, बीजीए जानते हो बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें आता है माइको प्लाज्मा, जिसको अपन PPLO भी बोले थे, PPLO। तो ये किसके सदस्य हैं, किंगडम मोनेरा के, सभी एक कोशिकीय हैं। याद रहे बेटा ये सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर, याद करो बताया था मैंने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो याद रखना बेटा प्रोकैरियोटिक जीव हमेशा क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय संगठन दर्शाते हैं। प्रोकैरियोटिक संगठन दर्शाने वाले सभी जीव क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, ये सारे यूनिसेलुलर हैं। एक सिंगल सेल होती है जो सारे कार्य करने में क्या होती है, सक्षम होती है। ठीक है, अब अगली बात करें इसके कुछ प्रॉपर्टीज की, लक्षण की, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन के लक्षण क्या है। पहला आप बताओगे बेटा, अभी बताया था मैंने, जो केंद्र का वो कैसा होता है, आद्य प्रकार का, आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब ये सारी बातें अपन एक एक करके सारी बातें कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेटा, अब इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, वो साइज में क्या होती है, स्मॉल होती हैं। जो इनका आकार होता है क्या होता है बेटा, स्मॉल, बहुत छोटी साइज की होती हैं। अगर मैं साइज की बात करूँ तो लगभग 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, और इनमें जो विभाजन है वो तीव्र गति से होता है, तीव्र विभाजन दर्शाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में तीव्र विभाजन दर्शाती है, और साइज में क्या होती है, स्मॉल होती है। अगला जो करैक्टर है बेटा, ध्यान दें सारे करैक्टर पे, आपको एक एक करके सभी पॉइंट पे ध्यान देना होगा, अभी सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो आद्य प्रकार का मैंने जो केंद्रक बताया है, ये देखो ये कैसा न्यूक्लियस है बेटा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, कैसा होता है, नग्न होता है डीएनए। यहां पर ये कौन है बेटा, जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नग्न, नेकेड। इसका कारण क्या है, नग्न क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बंधित नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, नेकेड डीएनए। याद रहे बेटा, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं बेटा, उनके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेटा, याद रखना है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेटा याद रखने पड़ेंगे। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में सही है या गलत है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनमें सभी में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन किसको छोड़कर? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जिसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, ये कुछ मैंने करैक्टर आपको बताए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर और है बेटा, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें अगर मैं बात करूं कोशिकांगों की, तो कोशिकांग जो हैं वो अनुपस्थित होंगे या उपस्थित होंगे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद करवा रहा हूँ। किस तरह से याद करवानी है सुनो, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है, राइबोसोम को छोड़कर प्रोकैरियोटिक जीवों में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम को छोड़कर सभी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, फिर से सुन लेना, प्रोकैरियोटिक जीवों में केवल राइबोसोम कोशिकांग के रूप में पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी कोशिकांग नहीं होता। या मैं बोल सकता हूँ कि प्रोकैरियोटिक जीव जो है उनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। ठीक है, लेकिन आपने ये अगर स्टेटमेंट बोल दिया कि प्रोकैरियोटिक जीवों में सभी प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कोशिकांग के रूप में कौन है? राइबोसोम। और बेटा आपको पता है राइबोसोम कौन से प्रकार के होते हैं? इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनकी बात करेंगे जब ही आएगा। 70S राइबोसोम प्रेजेंट। कौन से राइबोसोम? 70S। लेकिन अपन ये कह सकते हैं, और आपको पता है बेटा जो राइबोसोम होता है, यही मेंशन कर रहा हूँ, राइबोसोम जो है वो झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। झिल्ली रहित कोशिकांग। तो अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक जीवों में झिल्लीबद्ध कोशिकांग पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक जीवों में झिल्लीबद्ध कोशिकांग कोई नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स हैं, लाइसोसोम है, ये क्या है? सारे झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कोशिकांग पाया जाता है कौन सा? राइबोसोम। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके हो गए बेटा? इसके कुछ प्रॉपर्टीज की मैंने बात की। इसके अलावा प्रोकैरियोट की बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसमें प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं, जो प्रोकैरियोट्स का क्या है बेटा? एक विशिष्ट लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। प्लाज्मिड किसमें होते हैं बेटा? बैक्टीरिया में। जो मुख्य गुणसूत्र है उसके अलावा कुछ डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनको प्लाज्मिड बोलते हैं, जिनको भी अपन आगे अभी कवर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। अभी मैं केवल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात होगी कुछ बेसिक कैरेक्टर्स की। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं वो बेटा साइज में, शेप में, इनमें विभिन्नताएँ दर्शाती हैं। जैसे मैं अगर बैक्टीरिया की बात करूँ, जैसे बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक जीव है, बैक्टीरिया जीवाणु। तो अगर मैं शेप की बात करूँ बेटा, शेप का मतलब यहाँ क्या हो गया बेटा? आकृति। तो आकृति के आधार पर, शेप के आधार पर
बैक्टीरिया को मुख्य रूप से चार समूहों में बांटा गया है। ये चार समूह निम्न प्रकार हैं। पहला है आपका कोकस। कोकस जो है वो कौन होंगे, जिनकी जो शेप है वो कैसी होगी, गोलाकार, स्फेरिकल। कैसे होंगे बेटा ये, गोलाकार, तो इस प्रकार के होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, कोकस। तो कोकस की शेप कैसी होगी, गोलाकार। दूसरा जो ग्रुप है वो है बेसिलस, इनकी शेप होगी बेटा दंडाकार या छड़ाकार, ठीक है, इस तरह से होंगे, इनको बोलेंगे बेसिलस। जो तीसरा ग्रुप है वो है बेटा आपका विब्रियो, इनकी शेप होती है बेटा कोशाकार, इस तरह से बेटा, इनको क्या बोलोगे, विब्रियो। और जो चौथा ग्रुप है वो है स्पाइरिलम, इनकी शेप होती है स्पाइरल, सर्पिल, इस तरह से। तो कितने समूह हो गए बेटा, चार समूह, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर चार विशिष्ट समूह में बांटा गया है, कौन कौन से बेटा, कोकस, बेसिलस, विब्रियो और स्पाइरिलम। कोकस की शेप पूछ सकता है वो, गोलाकार, बेसिलस की शेप दंडाकार, विब्रियो की कोशाकार और स्पाइरलम की स्पाइरल, सर्पिलाकार शेप के पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये तो कुछ बेसिक मैंने करेक्टर बताए हैं, अब इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं और स्ट्रक्चर में अपन सारी की सारी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे, ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है बेटा। तो अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को प्रदर्शित करने वाले हैं, उसके लिए अपन एक प्रारूपिक उदाहरण जो है उसका एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। और प्रारूपिक उदाहरण में अपन लेंगे जीवाणु, एक जीवाणु की संरचना जो प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को प्रदर्शित करती है। और आप जानते हो बेटा जो किंगडम मोनेरा है उसके जो मुख्य सदस्य हैं वो कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को दर्शाने के लिए अपन एक जीवाणु की संरचना का डायग्राम बनाएंगे। और ये जो डायग्राम है मैं आपके सामने बेटा साथ साथ ही बनाऊंगा ताकि आपको डायग्राम भी क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आपको पूरे मेंशन करने बेटा, इन क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, इनका स्नैपशॉट भी ले सकते हो आप, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा एग्जांपल लेंगे बेटा, अपन बैक्टीरिया का, जीवाणु का, ठीक है। तो हाँ, यहाँ एक प्रारूपिक जीवाणु की संरचना जो है उसको अपन प्रदर्शित करने वाले हैं। और स्ट्रक्चर को समझना बेटा मेरे साथ साथ, क्योंकि स्ट्रक्चर को बनाते बनाते अपन लगभग सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ कवर कर लेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना। चलो अब डायग्राम बनाते हैं। तो यहां अपन जो डायग्राम बनाने वाले हैं वो है आपका एक प्रारूपिक जीवाणु की संरचना, ठीक है बेटा। यहां देखो मैंने प्रारूपिक टर्म क्यों यूज किया, टिपिकल बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के हैं, किसी में फ्लेजिला पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता, किसी में पिली होती है, किसी में नहीं होती, किसी में प्लाज्मिड होते हैं, किसी में नहीं होते। तो यहाँ मैं जो बैक्टीरिया का डायग्राम बनाऊंगा उसमें वो सारी संरचनाएं प्रदर्शित कर देंगे जो भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, ताकि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो प्रारूपी बैक्टीरिया का डायग्राम अपन साथ साथ बनाएंगे बेटा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे 100% दो क्वेश्चन आते हैं। ये जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ इस अकेले डायग्राम से दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो मेरे शब्दों पे भी ध्यान देना बेटा, किस तरह से मैं पॉइंट बोल रहा हूँ और कैसे कैसे डायग्राम बना रहा हूँ। तो बेटा आपको कोई भी कोशिका की अगर संरचना बनानी है, कोई भी सेल की, तो आप बताओगे सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो क्या होता है, कोशिका झिल्ली, क्योंकि बिना कोशिका झिल्ली के कोई भी कोशिका जो है वो अस्तित्व में नहीं रह सकती। कोशिका संगठन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन का होना अति आवश्यक है, कोशिका झिल्ली का होना अति आवश्यक। तो सबसे पहले अपन डायग्राम में किसका बनाएंगे, कोशिका झिल्ली। और आप जानते हो बेटा कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है, कह
कैसी होती है बेटा? चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिवली परमिएबल, जिसके आर पार केवल चयनात्मक या चयनित सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ही आ और जा सकते हैं, तभी ये अंदर के वातावरण को बाह्य वातावरण से क्या करेगी बेटा, विभेदित करेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने मेंशन किया है, ये क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। मैं टर्म इंग्लिश में लिख रहा हूँ बेटा, सेल मेम्ब्रेन, ओके, कोशिका झिल्ली। चलो हिंदी भी लिख देते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत ना, इसलिए मैं हिंदी भी मेंशन कर रहा हूँ, फिर बाद में हिंदी को कम यूज करेंगे बेटा अपन। कोशिका झिल्ली, ओके, कोशिका झिल्ली के अंदर का जो वातावरण है, अंदर जो स्पेस जो इसने कवर कर रखा है, उसको बोलते हैं अपन बेटा साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर क्या है बेटा? ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये डायग्राम बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए बेटा, इस डायग्राम से काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो ये बात होगी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। अभी मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, और अपन बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक परत और पाई जाती है जो कहलाती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका झिल्ली के बाहर ये वाली जो परत है बेटा, ये कौन है? कोशिका भित्ति, जो तुलनात्मक रूप से क्या होती है बेटा? मोटी होती है। अभी केवल मैं नॉर्मल बना रहा हूँ। तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बाहर वाली परत को क्या कहा मैंने? कोशिका भित्ति, ठीक है बेटा, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सभी जीवाणुओं में पाई जाएगी। कोशिका भित्ति के चारों ओर कुछ जीवाणुओं में एक परत और पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपन बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ये देखो इधर आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बाहर की ओर एक परत और है बेटा, ये बना दी, और इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, ओके, ग्लाइकोकैलिक्स। तो आप देखो मैंने जीवाणु की परतों के बारे में बताया अभी, तो आप बताओ सबसे बाह्य परत कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर कौन सी है? कोशिका भित्ति। सबसे अंदर कौन सी है? कोशिका झिल्ली। तो ये जीवाणु की कोशिका का आवरण का निर्माण करते हैं। तो इन तीनों को अपन क्या बोलेंगे बेटा? मिलाकर सेल एनवलप, कोशिका आवरण, क्या मैं बोल सकता हूं? जीवाणु कोशिका आवरण, बैक्टीरियल सेल एनवलप। तो बैक्टीरियल सेल एनवलप में बेटा कितनी परतें हैं? मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चन है सारे नीट के, तीन परत होती हैं। कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों आपस में टाइटली बाउंडेड होती हैं, कठोरता से बंधित होती हैं, और ये प्रोटेक्शन, सुरक्षात्मक होती है। ये लिख रहा हूं, कोशिका आवरण क्या कर रहा है बेटा? मेन काम क्या है? सुरक्षा। ये क्या है? सुरक्षात्मक, ठीक है। ये बात होगी आवरण की। अब अंदर चलते हैं इसके। ये देखो बेटा अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? कोशिका द्रव्य, फ्लूड मैट्रिक्स होता है, तरल पदार्थ होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में अंदर वाले आंतरिक वातावरण में कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसमें आनुवंशिक पदार्थ बेटा कौन होता है? डीएनए। और यहाँ देखो मैंने जो डीएनए बनाया है बेटा, वो क्या है? वृत्ताकार है, सर्कुलर है वो, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। तो ये कौन है? ये स्ट्रक्चर कौन है बेटा? डीएनए। और डीएनए कैसा होता है? ये जो आनुवंशिक पदार्थ है वो एक ही होता है, एक डीएनए है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ सर्कुलर डीएस का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर द्विरज्जु की, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्लियर। और ये जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इसका क्या है? आनुवंशिक पदार्थ, इसलिए इसको अपन इसका जीनोम भी बोलते हैं। ये कौन है बेटा? जीनोम, या इसको जीनोफोर भी बोल देते हैं, जीवाणु का जीनोफोर, या इसी को अपन बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, केंद्रकाभ, जिसकी बात करेंगे बेटा, एक एक स्ट्रक्चर आएगी, घबराना। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है यहाँ पर? केंद्रकाभ, हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रकाभ, ठीक है। ये केंद्रकाभ पाया जाता है जो कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल, जो कैसा है? वृत्ताकार है, और द्विरज्जु की ओर क्या है? ये डीएनए, ठीक है। डीएनए के अलावा इसके अंदर आरएनए भी पाए जाते हैं बेटा। जहाँ डीएनए होगा वहाँ आरएनए होगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो ये कौन है बेटा? ये है आरएनए, ओके।
और अभी आपने बोला था राइबोसोम पाए जाते हैं, देखो इसमें ये मेंशन कर रहा हूँ, जो जीवाणु है प्रोकैरियोट उसमें राइबोसोम होते हैं, ये स्ट्रक्चर कौन है बेटा, ये राइबोसोम्स, और कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S, 70S राइबोसोम्स, ओके 70S राइबोसोम, कौन से प्रकार के, 70S क्या होता है अभी बात करेंगे जब इसकी स्ट्रक्चर की डिटेल आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो जीवाणु हैं, अनेक जीवाणुओं में इस मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के अलावा कुछ और भी डीएनए अणु पाए जाते हैं, संख्या में एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, जिनको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। ये देखो बेटा छोटा सा है, और ये भी कैसा है, द्विरज्जु की है और वृत्ताकार है, ये कौन है बेटा, प्लाज्मिड, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड, ओके प्लाज्मिड की बात भी करेंगे, आगे आएगा डिटेल में लेंगे इसको। इसके अलावा जो जीवाणु है उसमें कुछ अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं बेटा, जो स्टोरेज का काम करते हैं, ये होती है इंक्लूजन बॉडीज, अंतर्विष्ट पिंड। पहले केवल ये नाम याद रखो बेटा क्या क्या है, फिर एक एक करके बात करेंगे। इंक्लूजन बॉडीज बोल दो यार, अंतर्विष्ट पिंड, ठीक है, जो स्टोरेज का काम करते हैं, जो संग्रहण का कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और बात करते हैं बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, देखो यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य की ओर अंतर्वलित हो जाती है, तो अंतर्वलन से देखो यहाँ पर ये अंतर्वलन हो गया, साथ साथ देखें मेरे, ये अंतर्वलित हो गई, इनफोल्डेड हो गई अंदर की तरफ, तो अंतर्वलन से जो संरचना बनी है उसको अपन बोलते हैं बेटा मीजोसोम, मीजोसोम, इसकी भी बात करेंगे अपन डिटेल में लेंगे, इसके कार्य भी स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी में दे भी रखें। ये क्या है, मीजोसोम, मीजोसोम हो गया, प्लाज्मिड हो गया, अंतर्विष्ट पिंड हो गए, राइबोसोम 70S प्रकार का हो गया, आरएनए मॉलिक्यूल हो गए, और अनेक प्रकार के एंजाइम, अनेक प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा और देखो बेटा, जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, तो उनमें जो प्रकाश है उसको ट्रैप करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिनको अपन बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। ये देखो यहाँ देखो बेटा, ये भी झिल्लीबद्ध संरचनाएं हैं जिनको बोलते हैं अपन क्रोमेटोफोर, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, ये रहे क्रोमेटोफोर्स, ये प्रकाश संश्लेषणीय जो वर्णक होते हैं उनको स्टोर रखते हैं, जो प्रकाश को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है बेटा। ये बात होगी क्रोमेटोफोर की, तो ये तो अंदर की संरचनाएं होगी, एक एक करके बात करेंगे बेटा, सारी एक एक करके अलग अलग मैं मेंशन करूंगा, डिटेल में लेंगे, एक बार स्ट्रक्चर को लेकिन ध्यान दें आप। जो जीवाणु हैं उनकी सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार की और भी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको उपांग बोलते हैं, अपेंडेज बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये देखें बेटा, ये एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो जीवाणु की सरफेस पे पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कशाभिका। ये जो मैंने बनाया बेटा, ये कौन है, ये है फ्लैजिला, फ्लैजिला कशाभिका, ओके। सबसे लंबी जो सरफेस स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है, फ्लैजिला, जिसका कार्य क्या है बेटा, मोटिलिटी में हेल्प करेगी, इसकी भी स्ट्रक्चर आएगी, इसके फंक्शन सारी बातें करेंगे। इसके अलावा जीवाणु में कुछ नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं बेटा, ये देखो ये नलिकाकार संरचना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको अपन बोलते हैं पिली, ये संरचना कौन है बेटा, पिली, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोम, जिसकी बात करेंगे अपन, तो ये क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा देखो जीवाणु है, कुछ जीवाणुओं में पूरी सतह पर कुछ लघु सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं बेटा, इस तरह से देखो, ये पूरी चारों तरफ होती हैं, पूरी सरफेस पे होती हैं, ये वाली लघु सूक्ष्म ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे रोम होते हैं, बाल होते हैं, बाहर आके से टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह से लघु सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको अपन बोलते हैं फिम्ब्री। ये क्या है बेटा, फिम्ब्री, हिंदी में बोलते हैं झालर, झालर, फिम्ब्री, ठीक है। तो आप बताओगे बेटा सरफेस पे कितने प्रकार की संरचनाएं अपन ने प्रदर्शित की हैं, फ्लैजिला, पिली एंड फिम्ब्री, जिनकी तीनों की एक एक करके अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रारूपिक जीवाणु की संरचना होगी, और ये किसको प्रदर्शित कर रही है बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को। फिर से ध्यान देना बेटा, ये सारी स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, जिनको एक एक करके अपन इनका अध्ययन भी करेंगे। तो देखो इसमें सरफेस स्ट्रक्चर अलग हो गई, आवरण में तीन परतें होगी उनकी बात करेंगे, अंदर जाओगे तो अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है उनकी बात करेंगे अपन,
तो ये सारे एक एक करके अपन डिटेल में लेंगे। तो आपके सामने जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है वो किसकी है, एक प्रारूपिक जीवाणु की, और इन्हीं सभी संरचनाओं को अपन एक एक करके स्टडी करेंगे। अब देखो बेटा, फिर मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपकी कोशिका झिल्ली है, आपको पता है सभी जीवाणुओं में पाई जाती है, कोशिका भित्ति सभी जीवाणुओं में पाई जाती है, ग्लाइकोलाइसिस सभी जीवाणुओं में नहीं पाई जाती, लेकिन इनके अलग अलग कार्य हैं जिनके अपन स्टडी करने वाले हैं। तो आप बताओगे प्रोकैरियोटिक जीवों में जो डीएनए है वो कैसा होता है बेटा, वृत्ताकार होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वृत्ताकार। और आनुवंशिक पदार्थ केवल एक डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। देखो सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है और डीएनए है। किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। नग्न होता है, क्यों होता है नग्न बेटा, क्योंकि स्टोन प्रोटीन के साथ बंधित नहीं होती। अगर मैं कोशिकांग की बात करूं तो कोशिकांग के रूप में केवल कौन है, राइबोसोम्स है कोशिकांग, इसके अलावा कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता। फिर से ध्यान देना बेटा, प्रोकैरियोटिक जीवों में राइबोसोम के अलावा कोई कोशिकांग नहीं होता। आप बोलोगे सर ये क्या है बाकी स्ट्रक्चर, ये कोशिकांग नहीं है बेटा, ये संरचनाएं हैं, ये कोशिकांग नहीं है, कोशिकांग अलग चीज़ होती है। कोशिकांग एक ऐसी संरचना होती है जो स्टेबल होती है, जिसका एक विशिष्ट एनवायरमेंट होता है आंतरिक, जो विशिष्ट उपापचय क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। इसके अलावा मीजोसोम है, मीजोसोम क्या है, कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन ही क्या कहलाता है, मीजोसोम, लेकिन ये विशिष्ट हो जाती है, कुछ और भी अनेक कार्य करने में सक्षम हो जाती है। तो ये बात होगी किसकी, आपकी एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात होगी, ठीक है बेटा। ध्यान दें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, डायग्राम को आप कॉपी में बनाओगे इसको परफेक्टली, और एक एक करके इन सभी स्ट्रक्चर की अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। तो आप देखो बेटा, अब जो बातें अपन ने बताई थी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जो प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, उनमें बताओ बेटा जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है, कौन, डीएनए। डीएनए कैसा होता है बेटा, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड, ये सब क्वेश्चन आंसर हैं। डीएनए कैसा होता है बेटा, नग्न होता है। नग्न क्यों बोला, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है बेटा, अब्सेंट होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है, आपके सामने है, लेकिन किसको छोड़कर, माइकोप्लाज्मा, लेकिन अपन ने डायग्राम किसका बनाया, बैक्टीरिया का, सेल वॉल दिखानी जरूरी थी। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन तो सभी कोशिकाओं का करैक्टर है, इसके अलावा ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे, ठीक है। राइबोसोम भी आ गया बेटा, राइबोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। इसके अलावा देखो मीजोसोम्स हैं, मीजोसोम की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ सरफेस स्ट्रक्चर हैं, जैसे आपका फ्लेजिला हो गया, पिली हो गया, फिम्ब्री, ये कौन है बेटा, ये सतह पर पाई जाती हैं, सतही संरचनाएं हैं, सतह पर, जिनकी सबकी अपन स्ट्रक्चर और फंक्शन की भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात होगी। इसके अलावा प्लाज्मिड, देखो बेटा प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड का भी अध्ययन अलग से करेंगे, प्लाज्मिड के प्रकार, प्लाज्मिड के कार्य। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज, इनकी बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर को अपन एक एक करके अब स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया, इस डायग्राम को अब डिटेल में लेंगे अपन। तो बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए आपने एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया है, और इस बैक्टीरिया की हर एक संरचना का अपन अध्ययन करेंगे विद फंक्शन, इनके कार्य भी। तो ऑब्वियसली आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ में आ जाएगी, प्रोकैरियोटिक जीव समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे यूकैरियोट की, जो यू पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आई थी, आपको पता है ना बेटा पहले कौन सी सेल्स आई थी, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद में कौन सी आई थी, यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले अपन बात करें अगर इवोल्यूशन की, नेचर की, देखो सबसे पहले कौन सी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनका निर्माण, उनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, और प्रोकैरियोटिक सेल से ही कौन सी सेल डेवलप हुई है बेटा, यूकैरियोटिक सेल। तो देखा जाए तो अपन यूकैरियोटिक जीव है बेटा, मल्टीसेलुलर, लेकिन ये अपने प्रिमिटिव हो गए, इन्हीं से ही अपन इवोल्यूशन उद्विकास जो हुआ है उसी से अपन बनते आए, इसको बोलते हैं उद्विकास। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव आए, फिर संगठन कॉम्प्लिकेटेड होता गया, एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आए, अलग अलग संरचनाएं बनती गई, जटिलता उत्पन्न होती गई। तो ये सिंपल प्रकार की कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देखो आपके सामने बेटा, बहुत सरल संरचना है, लेकिन ये कार्य में बहुत जटिल होती है। बैक्टीरिया देखो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
स्ट्रक्चर भी बहुत सरल है आपकी, जो जंतु और पादप कोशिका का अध्ययन करेंगे देखना कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन संरचना में सरल है लेकिन कार्य में क्या है बेटा, ये जटिल है। आकार में आकृति में भिन्नताएं दर्शाती है, साइज में छोटी है और इसका डिवीजन भी बहुत फास्ट होता है बेटा। आपको पता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी डिवाइड होता है, 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है, 20 मिनट में बैक्टीरिया नंबर डबल कर लेता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से ये बहुत जल्दी मल्टीप्लीकेशन करता है, किसके तुलना में, यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका की। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है उसके स्ट्रक्चर आपने एक्सप्लेन समझी है, अब इसके बाद में अपन एक एक करके सारे पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है बेटा, डायग्राम बना लेना आराम से और डायग्राम को इसको अपन अब डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन यहाँ कैसे, मैं पहले बताता हूँ आपको किस तरह से करेंगे। पहले अपन कोशिका आवरण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोशिका आवरण के बाद अंदर की संरचना है, उसके बाद में अपन सतही संरचनाओं पर आएंगे। तो एक बार आप एनसीईआरटी से इसको अच्छे से स्टडी करें बेटा, है ना, एनसीईआरटी में जो भी अपने स्टेटमेंट जो दे रखे हैं उनको स्टडी करना। हिंदी है थोड़ी टिपिकल है, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा और इजी हो जाए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी इजी होती है हिंदी की तुलना में, किसमें, साइंस में, टर्म जो है उससे आपको कहानी समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, आपकी बैक्टीरियल सेल। ठीक है बेटा, अब देखो जो बैक्टीरियल सेल है, स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। देखो बेटा, जो आवरण है इस बैक्टीरियल सेल का, जो आवरण है, एनवलप जो है, उस आवरण में कितनी परतें पाई जाती हैं बेटा, आंसर देना, कितनी है, 3 परतें हैं। उन 3 परतों का अगर मैं आपसे पूछूं बाहर से अंदर की ओर क्या सीक्वेंस है, बाहर से अंदर, देखो तो आप आंसर क्या दोगे, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कौन है बेटा, सेल वॉल, फिर कौन है, सेल मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर की ओर। अगर वो क्वेश्चन पूछे अंदर से बाहर की ओर तो आंसर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर कौन होगी बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स। ये देखो, ये तो क्या हो गई, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर, और ये बाहर से अंदर। ठीक है, सिंपल इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिका भित्ति की स्थिति कहाँ पे है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, बिटवीन द ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वातावरण है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म किसके द्वारा घिरा होता है, आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म के बिल्कुल चारों ओर क्या पाई जाती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जो सेल मेम्ब्रेन है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही वो परत है जो कोशिका के आंतरिक वातावरण को बाह्य वातावरण से विभेदित रखती है, क्योंकि कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो परमिएबल होती हैं, पारगम्य होती हैं, उनके अंदर से कोई भी मॉलिक्यूल जा सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन कोशिका झिल्ली के आर पार केवल चयनात्मक मॉलिक्यूल ही आवर जा सकते हैं, इसी कारण वो आंतरिक वातावरण को बाह्य वातावरण से फिजिकली क्या करती है, सेपरेट करती है, और आंतरिक और बाह्य वातावरण के मध्य आपस में इंटरेक्शन को भी बनाए रखती है, जिससे वो विशिष्ट कार्य करने में क्या होती है, सक्षम होती है। और आपको पता है जितने भी जीव हैं वो बाह्य वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं, बाहर से जो सिग्नल्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो भी सेल के अंदर जाते हैं। आपका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या इस जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए है, डीएनए में क्या पाए जाते हैं बेटा, जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर सारी संरचनाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और जीन ही सभी सूचनाओं को क्या करता है बेटा, कूटलेखित करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, अंदर, अंदर की बात करें तो जो डीएनए है वो इंपॉर्टेंट है। अब बताओ इस कोशिका में मैं डीएनए को अगर नष्ट कर दूं या निकाल दूं तो क्या कोशिका जीवित रह सकती है, नहीं रहेगी। अगर किसी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, अगर डीएनए नहीं है, तो कभी भी वो विभाजन नहीं कर सकती। तो विभाजन के लिए जरूरी क्या है, कोशिका के अंदर डीएनए की उपस्थिति, क्योंकि डीएनए ही सभी सूचनाओं को क्या करता है, कूटलिखित करता है कि उसको जनन करना है, क्या करना है, वो सब सूचनाएं किसके पास होती हैं, डीएनए के पास। अगर उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया तो कोशिका की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी आपको जो इन्फॉर्मेटिव बातें थी मैंने डायग्राम में समझा दी हैं। अब एक एक करके सारी चीज़ें अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आगे का जो टॉपिक है वो अपन अगले लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा,
अब आपको एनसीईआरटी से इसको रिवाइज भी करना है, एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे कवर करने हैं आपको। तो आप एक बार प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को पूरा एनसीईआरटी से पढ़ें, केवल दो पेज में दे रखा है, और फिर कल अपन जब एक एक करके सबकी बातें करेंगे तो एनसीईआरटी के डेटा भी आ जाएंगे, और साथ में जो कुछ डिटेल की बातें हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी अपन क्या कर लेंगे बेटा, कवर कर लेंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।